हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पोरोस फोटोशॉप में। आज हम बात करेंगे कि ये जो कैमकॉर्डर होते हैं, पैनासोनिक MDS2 वगैरह वगैरह, जो PV100 या NX100 या DSLR कोई भी, उसमें से जब हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो कैसे करें ताकि वो डाटा करप्ट ना हो, PC में, लैपटॉप में, किसी में भी। जैसे आज कुछ लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये इंटरनल मेमोरी है, इसमें से तो ये पीछे जो होगा SD कार्ड होता है ना, वो SD कार्ड निकाल करके कार्ड रीडर में डाल के डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर इसके अंदर डायरेक्ट जो होता है SD कार्ड में उसमें डाल के करते हैं। आप SD कार्ड हो या इनबिल्ट मेमोरी हो, आप इसको निकालो ना मत, SD कार्ड को मत निकालो, चाहे वो DSLR हो या कैमकॉर्डर, वीडियो कैमरा हो या फोटो वाला कोई भी, उसमें से आप डायरेक्ट केबल से कनेक्ट करके डाटा ट्रांसफ़र करें। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। डाटा ट्रांसफ़र हमेशा केबल से ही करें, डाटा केबल से PC में कनेक्ट करें, कैमकॉर्डर में कनेक्ट करें और डाटा ट्रांसफ़र करें, क्योंकि उसमें डाटा करप्ट होने का चांसेज नील बटा नील रहता है। नहीं तो क्या अपना जॉब, जो इमरजेंसी अर्जेंट जॉब होता है, वीडियो जॉब हो या फोटो जॉब हो, कोई भी हो, वो डाटा अपन SD कार्ड निकाल करके कार्ड रीडर से अपन कॉपी करते हैं तो वो डाटा करप्ट होने के चांसेस रहते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो पैनासोनिक का MDS2 कैमरा है मेरे पास अभी, इसमें कैसे डाटा ट्रांसफ़र करें। ये है इसका ओपन, ये देखिए ये डिवाइस लिखा हुआ है, इसके अंदर अपन ये केबल कनेक्ट करेंगे, डाटा केबल। ये यहाँ पे हो गई कनेक्ट, और ये है अपनी USB, इसको कनेक्ट करेंगे लैपटॉप हो या PC में, किसी में भी। इसमें कनेक्ट किया, अब आपको करना है कैमरा ऑन, चाहे फोटो वाला हो या वीडियो में, कैमरे को किया ऑन। अब इसके अंदर ये देखिए जो यहाँ पे आ रहा है डिस्प्ले, ये देखिए इसमें ये लिखा हुआ है PC, PC पे अपने को करना है, PC करना है सेलेक्ट। अभी आ गया यहाँ से, ये दिखा रहा है देखिए डिस्प्ले के अंदर। अब ये देखिए ये अपना है लैपटॉप, लैपटॉप के अंदर देखिए ये आ गया। आप कीजिए माई कंप्यूटर ओपन, और ये देखिए ये है अपना कैमरा मेमोरी कार्ड, इसके अंदर एक इंटरनल कार्ड ही लगा हुआ है 32 GB का, वही शो कर रहा है, एक्स्ट्रा SD कार्ड नहीं लगाया हुआ है, इसलिए आप इसको कीजिए ओपन। और ये है अपना फोल्डर AVCST, इसके अंदर ये BDMV, और ये है अपना स्ट्रीम, इसके अंदर ये देखिए ये सब वीडियो है। आप डायरेक्ट फोल्डर को कॉपी कर सकते हैं और अंदर से फाइलों को भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसे हमेशा आप ध्यान रखिए कि डाटा कॉपी हमेशा डाटा केबल से ही करें, उसमें आपके डाटा करप्ट होने के चांसेस नहीं रहते हैं। नहीं तो डाटा करप्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, फिर आप कार्ड रिकवर कराओ वगैरह वगैरह, उसमें काफ़ी लॉस होता है, टाइम की बर्बादी वगैरह सब। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई आपके सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।